आज की स्पेशल है ब्रेड फ्रूट की बिरयानी। मराठी में मेरे ख्याल से नीर फणस बोलते हैं। साफ कर लेने का, इसके बाद छोटा छोटा इसी तरह साइड में से इसको काट के लेना है। ये वाला पोर्शन को काट के फेंकना है, इसके बाद इसको पीसेस करना है इसी तरह। इसके लिए मसाला ग्राइंड करने के लिए थोड़ा सा कोकोनट लिया हुआ, कोतंबीर, अदरक लिया हुआ, चार मिर्ची लिया हुआ, पांच पीस लहसुन लिया हुआ, एक जीरा एक छोटा सा चम्मच, काली मिरी एक छोटा सा चम्मच, दो स्टार, इलायची सात आठ पीस रहेगा लौंग, दालचीनी पांच पीस लिया हुआ। ये सबको लेके पेस्ट करना है। दो चम्मच दो दिया तीन चम्मच पानी डाल के एकदम पेस्ट करना है। तीन कांदा लिया हुआ काट के, पुदीना एक थोड़ा सा पुदीना, तेज पत्ता दो लिया, दो टमाटर लिया हुआ बॉईल करके पेस्ट किया हुआ, एक दालचीनी सेपरेट लिया हुआ, बड़ी सौंफ का पाउडर बनाना है इसका। मैंने थोड़ा कांदा इसी तरह फ्राई करके लिया हुआ, कोई तेल में कांदा डाल रहा हूँ, एक सिनेमन का पीस डाला हुआ है दालचीनी का, इसको अच्छे से मिक्स कर लेने का। इसमें डाल रहा हूँ वो मसाला, डाल दिया हल्दी पाउडर, अभी रेड चिल्ली पाउडर है वो तीन चम्मच डालना है, धनिया पाउडर है दो चम्मच, गरम मसाला वो भी दो चम्मच डाल रहा हूँ, बड़ी सब का पाउडर भी डालना है बस। इसमें स्वाद के हिसाब से नमक भी डालना है, तेज पत्ता भी दो डाल दिया। अभी इसमें दो चम्मच दही डालना है, हाफ कुक किया हुआ ब्रेड फ्रूट का नीर फनस का बॉईल करके रखा हुआ वो डाल देने का, दीना डालना है। इसमें मैं कुछ कोकोनट मिल्क डालने जा रहा है, फाइनल हो गया है, कोकोनट मिल्क डाल के छोड़ दिया हुआ। जैसे हम लोग दम के लिए डालते हैं बिरयानी, उसी तरह दम के लिए डाल रहा हूँ। पे मैं बिरयानी का दम लगाने के लिए
बिरयानी रेडी है, नीरफनस बिरयानी रेडी हो गया है, ब्रेड फ्रूट बिरयानी। एक बार इसी तरह एक वेज बिरयानी आप भी ट्राई करके देख लीजिए, अच्छा लगेगा आपको।